हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सास को वश में करने के सरल उपाय। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो उन पत्नियों के लिए है जो अपनी सास को लेकर परेशान रहती हैं, जो अपनी सास को वश में करना चाहती हैं। क्या आप सास और ससुर को नियंत्रित करना चाहते हैं? क्या आपका पति हमेशा आपकी माता और पिता की ही सुनता है? क्या आपको प्यार नहीं करता? क्या आपका पति आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, आपकी भावनाओं को समझता नहीं है? क्या आप अपनी सास पर हावी होना चाहती हैं ताकि वह आपके नियंत्रण में हो सके? क्या आपको सास को नियंत्रित करने के टोटके चाहिए? तो आज बिल्कुल सही जगह पर हैं आप, और जिसके द्वारा मात्र 3 दिनों के अंदर ही आप सास और ससुर को नियंत्रित करने में, उनको वशीकरण करने में सफलता हासिल कर सकते हैं, अगर आपने इन उपाय टोटकों का इस्तेमाल कर लिया। तो फिर इसके लिए वीडियो अंत तक देखना ना भूलें, और जानिएगा ये वशीकरण करने के सबसे सरल उपाय टोटके। बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यह वशीकरण यंत्र उन स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो एक संयुक्त परिवार में रहती हैं, और जिन परिवार में सास और ससुर हमेशा बहुओं पर हावी रहते हैं। अधिकतर संयुक्त परिवारों में नई शादी शुदा बहुओं को बहुत परेशानी आती है, क्योंकि एक छत में रहने वाले लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। बहुत सारे सास ससुर अपने बहुओं को दहेज या फिर किसी अन्य कारण से परेशान करते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, आपके साथ बहुत ही बुरी भावनाओं के साथ आपकी कदर नहीं की जा रही है, तो फिर इन उपायों को एक बार जरूर आजमाइएगा। आपको आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ अवश्य आएंगी, आपके सास ससुर में वे आपके वश में हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि आप इन्हें अपनाते हैं तो अवश्य ही आप सास ससुर आपके कंट्रोल में रहेंगे। नंबर एक, ये यंत्र आपको गेहूं की रोटी के ऊपर बनाना, एक यंत्र आपने बनाना होगा गेहूं की रोटी के ऊपर, और किसी भी लकड़ी के टुकड़े से आपने बना सकते हैं। फिर इसको पूजा करके किसी कुत्ते को खिला देना है, परंतु याद रहे ये काम शनिवार के दिन करना है। आप अब अपनी सास को वश में करना चाहते हैं तो काली कुतिया को ये रोटी खिलानी है, और यदि ससुर को वश में करना चाहते हैं तो काले कुत्ते को रोटी खिलानी है। अगर सास और ससुर दोनों को वश में करना है तो 2 रोटियां बना के एक कुतिया को और एक कुत्ते को आपने खिला देनी है। इतना सा कार्य करने के पश्चात आप असर देख पाएंगे कि आपके सास ससुर अब आपकी ही बातों को मानने लगे हैं, और दोनों में अब लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते हैं, और जिससे कि आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बन चुका है। तो फिर अगर आपने परिवार में खुशियां चाहते हैं तो फिर एक बार इन्हें जरूर आजमा कर देखिएगा। अगर फिर भी कोई परेशानी आए टोटका उपाय करते समय या किसी अन्य संबंधी जानकारी चाहिए तो दिए नंबर पर कॉल कर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो, हमसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।